इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमें कहाँ एहसास रहता है कि वक्त हमारे हाथों से निकल गया है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीगना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है हमारे सपने। मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है, तुम्हारे साथ रहना है, ऐसे ही सारी उम्र। रोज बातें हों ये जरूरी नहीं है, रोज मैं तुम्हें देख सकूं ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है कि महीने में एक बार बात हो और सुकून से हो, हम दोनों को ये पता हो कि तुम्हारे और मेरे बीच प्रेम वैसा ही है जैसा होना चाहिए। प्रेम की डोर कच्ची है पर ये जिंदगी भर संभाल लेगी हम दोनों को, ऐसे ही हमारे प्रेम को हमेशा हमेशा ऐसे ही। हाँ यार, तुमसे मिलना जरूरी है एक निश्चित अंतराल के बाद, तुमसे मिलना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं समय के साथ होते इन प्राकृतिक और शारीरिक बदलावों को देखना चाहता हूं। मैं अचानक तुम्हें बदला देखकर अचंभित होना नहीं चाहता हूं, बल्कि मुझे पता होना चाहिए कि अब तुम थोड़ी पतली हो गई हो, तुम्हारे बालों का रंग अब धीरे धीरे सफेद होने लगा है, मेरे माथे पर आई हुई एक एक झुर्रियां कब उगाई हैं, ये तुम्हारा भी तो जानना उतना ही जरूरी होगा ना। मतलब मुझे पता रहे कि अब तुम्हारे हाथ कब कपाने लगे हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी भी थोड़ा मुड़ चुकी है, मैं अब झुककर चलने लगा हूं, तुम्हें भी अब चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है, तुम्हारा रंग अब और निखर चुका है, मेरे भी सर के बाल लगभग सारे झड़ चुके हैं, अब तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है, मैं खुद भी दवाइयों के सहारे ही जिंदा हूं। अब तुम्हारे हाथों के स्पर्श में एक ठंडक है और मेरे हाथों का मांस झुर्रियों में बदल चुका है, हम दोनों के शरीर का मांस अब हड्डियों को छोड़ने लगा है। ये सारे शारीरिक बदलावों को महसूस करना, अपनी आंखों से देखना बस इसीलिए जरूरी है ताकि जब हम अपने अंतिम दिनों में बिस्तर पर पड़े हों तो हमें लगे जैसे हम साथ साथ ही तो बूढ़े हुए हैं। मरते वक्त मुझे पता हो कि तुम अब कैसी लगती हो, बिना दांतों के तुम्हारी मुस्कुराहट समय के साथ और भी हसीन हो चुकी है, ये बात मुझे पता होना बेहद जरूरी है ताकि मेरे अंतिम समय में जब मेरी आंखें बंद होने लगें तो मैं तुम्हारा वही चेहरा याद कर सकूं और मुस्कुराते हुए दुनिया को अलविदा कह सकूं। पर देखो ना, इन ख्वाबों को लिखते हुए अभी मैं जिंदगी के 27वें वसंत को जी रहा हूं। इस वसंत में बहुत कुछ EMI के सहारे चल रहा है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है साथ में। सुबह उठता हूँ, दफ्तर के कामों में लग जाता हूँ, अनजान क्लाइंट से ऐसे बात करता हूँ जैसे वो मेरे मामा का लड़का या लड़की हो, मैं इन दिनों बेमतलब मुस्कुराता हूँ, बोलते हुए हर एक शब्द को ध्यान में रखता हूँ, मैं लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखने लगा हूँ, रिमाइंडर लगाकर क्लाइंट्स के जन्मदिन और उनके खास मौकों पर उनको फोन कर बधाई देता हूँ। मुझे आजकल खुद का जन्मदिन याद नहीं रहता, लेकिन दूसरों के केक भिजवाता रहता हूं। सही कहूं ना, मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जिसे मैं खुद ही पसंद नहीं करता, लेकिन अभी ये जो जिम्मेदारी वाली EMI आई है ना, जिंदगी में इनकी एक बार किश्त पूरी कर लूं तो दोबारा मिलूंगा तुमसे, तुम्हें ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे पास कोई वक्त नहीं है। और सच कहूं, मुझे तुम्हारे साथ उन ख्वाबों को असल में सच बनाना है, बस थोड़ा सा वक्त और निकल जाए।